आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तोरा चौकी बवाल मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। वीडियो फुटेज के आधार पर बवालियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस 2 दिन में 14 लोगों को जेल भेज चुकी है। इसके साथ ही प्रत्येक गांव में आपराधिक इतिहास वाले लोगों की सूची तैयार कर उन्हें पाबंद करने की तैयारी भी प्रशासन कर रहा है। तोरा चौकी बवाल मामले में पुलिस की कार्यवाही जारी है। पुलिस अभी तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वीडियो फुटेज के आधार पर शांति मांगलिक हॉस्पिटल के पास पथराव करने वाले और तोरा पुलिस चौकी पर आगजनी और तोड़फोड़ करने वालों की पहचान कर धरपकड़ की जा रही है। देखिए, ताजगंज को जो इंसिडेंट हुई थी उसमें 2 FIR थाना ताजगंज में दर्ज कराए गए थे। एक शांति मांगलक पे हुए घटना के संबंध में और चौकी तोड़ा से हुई घटना के संबंध में वीडियो फुटेज और CCTV के फुटेज के आधार पर और जो हमारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क के आधार पर बलवाइयों को उपद्रवियों को जो है चिन्हित किया गया है, जिसमें कल 11 लोगों को और आज 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बवाल को भड़काने वालों पर रासुका के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही सभी पर गैंगस्टर की कार्यवाही भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त फोटोग्राफ से जो अन्य लोग चिन्हित हुए हैं उनकी सभी की फोटोग्राफ बनाकर थाने पर चौकियों पर जो है लगाए जाएंगे और उन सभी की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो नुकसान सरकारी संपत्ति का हुआ है उसका आकलन कराया जा रहा है। इन सभी उपद्रवियों से उस नुकसान की पूरी भरपाई कराई जाएगी। जिन गांवों में लोगों ने बवाल किया है उन गांवों में आपराधिक हिस्ट्री वाले लोगों की सूची तैयार की जा रही है, जिन्हें 10-10 लाख रुपए के मुचलकों पर पाबंद किया जाएगा। इसके साथ ही आगजनी और तोड़फोड़ में जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है, जिसकी वसूली भी बवालियों से की जाएगी। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए NSA के तहत भी जो मुख्य रूप से उकसाने वाले, बलवा कराने वाले, उनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई की जाएगी एवं अन्य सभी अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई कराई जा रही है। LIU की टीम और हमारी सिविल पुलिस की इंटेलिजेंस टीम लगी हुई है। प्रत्येक गांव से जो मनबट, बदमाश, खुराफाती लोग हैं उनको चिन्हित कराया जा रहा है और उन सभी लोगों को भारी धनराशि से 10 लाख और 20 लाख की धनराशि से पाबंद कराया जाएगा ताकि भविष्य में किसी प्रकार की उपद्रव जो है न कर सके। आपको बता दें कि गुरुवार को ट्रैक्टर चालक की मौत के बाद भड़के ग्रामीणों ने सड़क पर तांडव कर दिया। उसके बाद तोरा चौकी को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने 100 लोगों के खिलाफ 2 FIR दर्ज की है। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।